आज की रेसिपी ना ही बेसन से बनी है और ना ही सूजी से। और इस रेसिपी से आप अपने वजन को फटाफट से कम कर सकते हैं और इंस्टेंटली एनर्जी देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ओट्स, ये अखा ओट्स है। आप चाहे तो इसको भिगो करके पीस सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको पीसने वाले हैं ग्राइंडर जार में। तो मैं एक ग्राइंडर जार लेती हूँ और उसमें हमें डाल देना है ओट्स। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। मैं जनरली थोड़ा ज़्यादा ही इसे पीस करके रख देती हूँ ताकि मुझे जब भी खाना हो तो फटाफट से इसको घोल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 5-6 चम्मच ओट्स और इसको हमें सूखा ही पीस लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा हो जाता है। इसे हमें निकाल लेना है एक बोल में, जितना भी आपको ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल और उसमें मैं निकाल दे रही हूँ ओट्स के पाउडर को। ओट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं दोस्तों। ये शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सभी चीज़ों में मददगार है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सफोला का मसाला ओट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने एक चम्मच डाल दिया है और अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका एक बैटर प्रिपेयर करेंगे। हमें पानी पहले ज़्यादा नहीं लेना है, बस इसे फूलने के लिए हमें पानी लेना है। तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए और इसको रेस्ट करने दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिला दीजिए। मिला देने के बाद ये देखिए, ये थोड़ा फूल जाता है, जितना भी फूलना हो ओट्स को। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ कैप्सिकम, लाल वाली मैंने ली है, आप चाहे तो हरी पीली सब ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज, थोड़ा सा गाजर डाल दिया है मैंने, और आप इसमें अपने पसंद की और भी सब्जी को डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दी है हरी मिर्च स्वाद के अनुसार। अब डाल दिया है मैंने धनिया पत्ती ढेर सारा। नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। और अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डाली हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी खाना बिना हल्दी के बनाना अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और इसे हमें मिला देना है। आप चाहें तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी जो है थिक है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक पैन या तवा, जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिए, और उसमें हम डाल देंगे तेल, घी, बटर, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो डालिए। गर्म होने दीजिए और फिर बैटर को हम एक डोसे की तरह या फिर चिल्ला की तरह उसे राउंड शेप में, यानी कि गोल शेप में फैला देंगे। बहुत पतला मत कीजिएगा, थोड़ा मोटा ही रहने दीजिएगा। फैला देने के बाद हमें इसे एक तरफ से सिकने देना है। जब ये एक तरफ अच्छे से सिक जाए तभी हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। तो ये देखिए, ये अच्छे से एक तरफ सिक गया है। अब हम दो लैडल के हेल्प से इसे दोनों तरफ पलट देंगे, अगर आपका चिल्ला नहीं पलट पा रहे हो तो। अब ये देखिए, एक तरफ अच्छे से ये सिक भी गया है, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है, तो दूसरी तरफ भी हम सिकने देंगे और क्रिस्पी होने देंगे। तो दोनों तरफ हमें पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेना है और फिर इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार का नाश्ता बनकर तैयार है दोस्तों। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।